हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, जिस चीज का आपको बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई। भर्ती बोर्ड के द्वारा एक ऐसा नोटिस जारी किया गया है जिसको देख करके आप खुशी से झूम उठेंगे। तो दोस्त, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की, जिसका री एग्जाम होने वाला है। और बहुत सारे हमारे भाई जो री एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर, री एग्जाम की डेट कब अनाउंस होगी, री एग्जाम हमारा कब होगा। तो दोस्त, उसी से संबंधित एक नोटिस आया है हमारे पास। मैं उस नोटिस के बारे में बताऊंगा कि आपका एग्जाम जल्द से जल्द भर्ती बोर्ड कंडक्ट कराने वाला है। तो मैं अगर नोटिस की बात करूं तो ये नोटिस है, इसमें लिखा हुआ है सेवा में समस्त पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश, दूसरा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश, यानी कि सभी जहां पे कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है उन सभी कमिश्नरों को ये लेटर भेजा गया है। और जो हमारे एसएसपी रैंक के अधिकारी होते हैं या पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो होते हैं उनके लिए यह पत्र भेजा गया है। और इसमें विषय जो लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिखित परीक्षा के पुनः आयोजन विषय हेतु। तो दोस्त, आप समझ सकते हैं कि ये पत्र किस लिए जारी किया गया है। इसमें मैं नीचे अगर बताऊं तो अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन आगामी सप्ताहों में, दोस्त आगामी सप्ताह यानी कि कुछ सप्ताह की बात है, आगामी सप्ताहों में कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त परीक्षा से संबंधित गोपनीय परीक्षा सामग्री जनपदीय कोषागार में संरक्षित की जाएगी। अतः अनुरोध है कि कोषागार का निरीक्षण करा के निम्न सूचना इस बोर्ड को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मैं दो लाइन की ही करूंगा तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो उक्त परीक्षा है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 की री एग्जाम की बात हो रही है, कि आगामी कुछ सप्ताहों में होना संभव है। परीक्षा से संबंधित सामग्री को जनपदीय कोषागार में स्टोर किया जाना है। तो वो कोषागार को सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। तो दोस्त, इससे आप गेस कर सकते हैं कि परीक्षा सामग्री यानी कि आपका पेपर हो सकता है या परीक्षा संबंधित कुछ दस्तावेज जो कि कोषागार में रखे जाने हैं। तो वो दोस्त, आप इससे गेस या अनुमान लगा सकते हो कि आपकी परीक्षा यानी कि री एग्जाम बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। तो तैयारी में धार लगा दीजिए, थोड़ा सा रफ्तार बढ़ा दीजिए। तो दोस्त, अगर आपको वर्दी पाना है तो बस लग जाइए, मॉक टेस्ट हल करिए। जानकारी कैसी लगी, अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और कोई मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।